होगी और पेनफुल स्वेलिंग होगी और टेम्परेचर जो है 106 तक जाएगा और एनिमल टॉक्सिमिया की वजह से एक्सपायर हो जाएगा। और इसमें पेनफुल कफ होती है क्योंकि पस जो है वो ट्रैक में चली जाती है, वहां पर जाके इरिटेशन कॉज करेगी और लंग साउंड नॉर्मल होंगे और ग्लोसाइटिस और जिंजिवाइटिस भी इसमें हो सकता है। और कुछ लिखा है इसके अंदर? उसके अलावा स्टोमेटाइटिस में लिखा हुआ इसको है कि कफ एब्सेसिस होने का। जी कफ सर, डिप्थीरिया को एक और नाम भी देख कफ डिप्थीरिया को एक और नाम भी कहा जाता है, ये है काफ निक्रोटिक एंकर स्टोमेटाइटिस कफ, है, एंकर ये काफ डिप्थीरिया ही लिखा हुआ है, लेक्टोबैसिलस बैसिलोसिस। एच एंकर कफ भी कहते हैं इसको, लिखा होगा स्टार्ट में तो नहीं लिखा हुआ, मे भी आगे बेसिकली लिखा हुआ हो। सही। ये किसके नोट्स हैं? अब्दुल खालिद के। ये नोट्स हंकर किसके का है हैं? सर, हंकर का, हाँ, क्यों? क्योंकि रोरिंग साउंड आ रही होती है इसलिए हार्ड ब्रीदिंग का। बेसिकली हंकर हम कहते हैं ना कि किसी चीज को हैंग करना, जिसने किसी ने जो है उसको जो है गर्दन से पकड़ा। सही, बेसिकली इसका जो लेरेंस है, मैं आपको इसलिए बता रहा था, ये चीज आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर ये चीज मौजूद होगा, साइन बताएगा, कंडीशंस कौन सा है ये आपको नहीं बताया जाएगा। आपको काफ डिप्थीरिया में बताएंगे कि काफ डिप्थीरिया की ये साइन मतलब रोरिंग साउंड आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए रोरिंग साउंड आता क्यों है। वो कहते हैं कि सेलिवेशन होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेलिवेशन क्यों आएगा। वो आपको बताएंगे कि ये ह्यूमन को भी इफेक्ट कर लेती है, तो उसके अंदर इनडाइजेशन होगा तो वो क्यों होगा। वो आपको बताएंगे एनिमल एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपायर क्यों होगा, टॉक्सीमिया की वजह से एक्सपायर क्यों होगा, रीजन क्या है। तो अगर आप लोग साथ में जो डिजीज मैं बताऊंगा आप लोग साथ में रीड करें सिर्फ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो है मेन फंक्शन क्या है। तो इसी के अंदर जो है आपको मैंने बता रही कफ डिप्थीरिया, कफ डिप्थीरिया के अंदर मैंने आपको कहा था कि दो फॉर्म है, सही है? तो मैंने आपको उसमें एक फॉर्म बताया था कि सेप्टिसेमिक फॉर्म है और एक को नेजल ओरल फॉर्म है, सॉरी, सही है, जिसमें स्टोमेटाइटिस और लेरिंजाइटिस ये जो है डेवलप हो जाता है। इसके अलावा एक्टिनोमाइसिस पायोजीन्स शीप के अंदर, एक्टिनोमाइसिस पायोजीन शीप के अंदर जो है इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। स्ट्रेंगल्स के अंदर, ये स्ट्रेंगल इन्होंने पढ़ा है, इनको पता होगा कि स्ट्रेंगल के अंदर किस तरह डेवलप हो जाता है, स्ट्रेंगल जो है उसी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के अंदर, इसी के अलावा इक्वाइन वायरल अर्थराइटिस के अंदर, इक्वाइन वायरल अर्थराइटिस, दोबारा आपको बता देता हूँ, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन वायरल अर्थराइटिस, इसके अलावा स्ट्रेंगल्स, सही है। इसके अलावा जो लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया पेरेंट्स, अगर इन केस वहां की जो है जो पेरेंट्स की जो है लेम नोड्स है, रेट्रोपेरेंजियल लेम नोड्स है, उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो जाए तो उसी की वजह से भी जो है ये डेवलप हो जाता है, यही कंडीशन। या अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसके अंदर जो है कोई भी चीज की वजह से, उसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाए या सॉरी इरिटेशन हो जाए, मीन डस्ट है, स्मोक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया था, तो ये डेवलप हो जाता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस, अगर इन केस इस एरिया में कभी भी कोई इंफ्लेमेशन हो जाए पैथोजेनेसिस में, इंफ्लेमेशन की वजह से एक तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, तो इरिटेशन की वजह से क्या होगा, कफिंग होगी, ये मैंने आपको उसमें कहा था। दूसरी साइड से क्या होगा, उस एरिया में स्विलिंग डेवलप हो जाएगा और स्विलिंग की वजह से क्या होगा, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज। सही है, जिसकी वजह से कौन सा जो है डिस्पनिया डेवलप होगा, इंस्पायरेटरी डिस्पनिया डेवलप हो जाएगा। ये मैंने आपको सारी चीजें जो है बता दी है, और ये एक्यूट इन नेचर भी हो सकता है। एक्यूट इन नेचर में जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ड्राई कफ हो जाता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है,
और अगर आप लोग जो है उसको इंड्यूस करना चाहे शिप बोट डॉग के अंदर, तो आप अगर उसकी गर्दन को पकड़ ले तो उससे आप लोग इंड्यूस करवा सकते हैं, सही है। अगर इन केस कोई इस तरह कंडीशन है कि जिसके अंदर टॉक्सीमिया डेवलप हो रहा है या एंटीजेनिक इन नेचर है, तो उसके अंदर क्या होगा, फीवर मौजूद होगा, सही है। और सारे साइन मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है। अगर आप लोग उसको डायग्नोस करना चाहें, डायग्नोस किस तरह करेंगे, एक तो ये है कि आप हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में मैंने आपको जितना भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में बताया है कि आप उससे ही पूछ सकते हैं। आपको तो एक ये होता है कि सीजन का पता लग जाता है कि कोल्ड सीजन है, इसके अलावा पानी आप कौन सा दे रहे हैं, इसके अलावा वहां पर डस्ट का क्या निजाम है। अगर आजकल बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही तो आपको डस्ट का भी पता लग जाता है, डर्ट का भी पता लग जाता है, स्मोक का भी आप लोगों को पता लग जाता है, गैसेस के बारे में आप लोग पूछ लेते हैं। या आजकल आप लोगों को अपने इलाके में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है धुंध वगैरह की, वो जो है फोग वगैरह का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उससे भी आप लोग जो है आइडिया हो सकते हैं आपको, सही है। तो इसके अलावा जो है अगर आप लोग जो है अंदर देखना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं, तो एक सिलेंड्रिकल स्पेकुला आ जाता है, सिलेंड्रिकल स्पेकुलम। इस तरह आप लोगों ने कभी ह्यूमन में देखा होगा ना, ह्यूमन में क्या कर लेती हैं, उनके पास वो स्टिक होता है, स्टिक वो लगा लेते हैं और अंदर जो है वो स्पेशली जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया की तरफ तो इतना नहीं जा सकते, लेकिन जो टॉन्सल्स हैं या इसके अलावा जो पेरेंट्स है जो नजर आ जाते हैं उसको एग्जामिन कर लेते हैं। लेकिन अगर डीप एग्जामिन करना हो तो डीप एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने जो है ये सिलेंड्रिकल स्पेकुलम यूज करना है। बेसिकली सिलेंड्रिकल स्पेकुलम अगर आपको ये नजर आ रहा है जो बल पॉइंट है, इसी के टिप के ऊपर इस तरह जो है एक पूरा सा जो है ट्यूब होता है बारीक सा या वायर होता है, और उसी के ऊपर जो है एक लाइट प्लस कैमरा लगा होता है, जिस तरह हम नॉर्मली जो है इंडोस्कोपी के लिए यूज कर लेते हैं, और वो आप लोग ट्रेकिया प्लस पेरेंट्स ये सारी चीजें उससे आप लोग जो है देख सकते हैं उसी चीज से, और आपको आइडिया हो जाता है कि आया इन्फ्लेमेशन जो है लेरेंस के अंदर मौजूद है, ट्रेकिया के अंदर मौजूद है, पेरेंट्स के अंदर मौजूद है। तो इससे जो है आप लोग जो है आसानी से कर सकते हैं, या फाइबर ऑप्टिकल इंडोस्कोपी भी इसको जो है एक मौजूद है, फाइबर ऑप्टिक इंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। सर ये प्लीज बताएंगे सिलेंड्रिकल क्या चीज थी? ये स्पेकुला है, स्पेकुलम इसको कहते हैं, सिलेंड्रिकल स्पेकुलम। इस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन के अंदर जो है वो नॉर्मली स्टिक जो है लकड़ी वाला यूज कर लेते हैं, या उनके पास जो है वो मौजूद होता है। अब ह्यूमन में ही प्रॉब्लम है, ये है सबसे इजीएस्ट तरीका, ये है कि आप उसको कह रहे थे कि मुंह खोल ले, एनिमल के अंदर मुंह खोलना जो है वो मुश्किल से हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग क्या कर लेते हैं, आप खुद जो है एक स्पेकुला पास कर लेते हैं। स्पेकुला बेसिकली एक पाइप होता है, और उसी पाइप के अंदर आप देखना पसंद कर लेते हैं कि अंदर देख लें। ये है कि आजकल तो मैं इधर आया हूँ, इंशाल्लाह जब मैं वापस चला जाऊंगा तो कुछ इंस्ट्रूमेंट इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाया जाएगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये जो स्पेकुला है ये क्या चीज है, क्योंकि ये आपको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, सॉरी जो है ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जब आप पास कर लेते हैं तो उसमें भी आपको जो है जरूरत पड़ जाता है इसी ट्यूब का। अब आप लोगों ने जब ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन करनी है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उससे आप लोगों ने एनिमल को दूर रखना है, अवॉइड एयर कोल्ड एयर, जब तक आप उसको ये ना हो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और उसको एयर जो है कोल्ड एयर को आप लोग एक्सपोज करें, जो तब भी ये प्रॉब्लम जो है और ज्यादा हो जाएगा या ठीक होना जो है मुश्किल से हो जाएगा या हीलिंग प्रोलॉन्ग हो जाएगी। एक्सपोजर टू सडन कोल्ड, इससे भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। इंडस्ट्री जो है एनवायरमेंट से जो है एटमोसफेयर से इसको दूर रखना है। एनिमल शुड बी केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड रूम, वेल वेंटिलेटेड, फ्री वॉर्म एंड प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन। जो एनिमल है आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने अच्छी जो है वेंटिलेटेड रूम के अंदर रखना है जहाँ का वॉर्म का मसला ना हो, क्योंकि एक सर्दियों में सबसे ज्यादा और भी प्रॉब्लम होता है। आपने कोशिश ये करना होता है कि आपने एनिमल्स को क्राउडिंग में रखना होता है ताकि वो एरिया गर्म हो, और जब आप उसको क्राउडिंग में रखेंगे तो उसका जो फीसिस है
उसका एक्सपोजर जो है वो उसकी माउथ के साथ या उसकी फीट के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से एग्स वगैरह या वर्म्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं एनिमल के अंदर। तो आपने कोशिश करना है कि सफाई हाइजेनिक एनवायरमेंट इसको देना है। इनहेलेशन ऑफ टेंशन बेंजाइन को या एनोडाइन एक्सपेक्टोरेंट, एनोडाइन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट बेसिकली हम उसको कहते हैं जो किसी भी कफ की जो है, जो कफ है वहां पर म्यूकस वगैरह है उसको क्या कर लेते हैं, उसको उसकी विस्कासिटी को कम करवा देते हैं और कम कम करवा के कफ को जो है इंड्यूस करवा देते हैं। जब विस्कासिटी कम होगा और कफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर जो है जितनी भी जो है चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक प्रिपरेशन देंगी, क्योंकि ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं इसमें एलर्जिक जो है प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, तो एंटी हिस्टामिनिक प्रिपरेशन जो है दिया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना है। इसके अलावा एनसेड आप लोगों ने यूज करना है, तो मोस्टली इसमें बेहतरीन चीज जो है फ्लुनेक्सिन मेग्लुमिन, जो फ्लुनेक्सिन मेग्लुमिन है इसमें बहुत बेहतरीन काम कर लेते हैं, ये आप लोगों ने देना है। कुछ इस तरह भी कंडीशन आ जाता है, जिस तरह एचएस की कंडीशन है, जिसमें एक वीडियो अपना स्टूडेंट कर देख रहा, ये आप लोग सीनियर है 2013 बैच का है, मैं भी आप लोग में से कोई बंदा पहचानता भी होगा, उमर फारूक 2013 बैच का है, एनीवन जो इवनिंग का स्टूडेंट था कोई पहचानता है अपना क्या लेने के उनका? जी सर। हाँ, तो वकारा जी आपने देखा होगा उस दिन वो फेसबुक के ऊपर में उन्होंने वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर वो ट्रेकियो लेरेंजियोस्टोमी करवा रहा है, ट्रेकियो लेरेंजियोस्टोमी। नो सर, देखा है कि नहीं? नो सर। अगर आपके पास उनका, अगर आपके पास उनका जो है वो है फेसबुक आईडी है तो आप देख सकते हैं, आज से 3 या 4 दिन पहले उन्होंने किया है सर, मैंने देखी है। बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली क्या कर लेती है, जो ट्रेकिया है इसके अंदर इन्होंने जो है एक होल बनाना होता है, अगर सांस लेना बिल्कुल बंद हो गया तो उस कंडीशन के अंदर जो है एनिमल एक्सपायर हो जाता है, तो हमें सांस जो है उसका बरकरार रखना होता है, तो हम उसकी क्या कर लेते हैं कि जो ट्रेकिया है उसके अंदर हमने सुराख करना होता है, सही है? तो ये आपके पास हो गया है, ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, कि किसी का कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। शाबाश सर। अगर लेरेंस में होल क्रिएट कर देंगे वो तो डायरेक्ट एक्सपोजर है एयर में, और एयर में डस्ट और वो सारा कुछ तो होगा, तो हम कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं इसको, हम तो डायरेक्ट? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, बल्कि उस दिन वो कर भी लिया था उन्हीं चीजें। बेसिकली है एक बंदा मर रहा है और कोई बंदा उनको कह रहे कि आप ये जहर खा लेंगे तो हो सकता है कि आप बच जाए, तो उन्होंने जहर भी खाना होता है, वो गंदा भी खाना होता है चीजें ताकि वो बच जाए, मरना तो उन्होंने है। बेसिकली इस तरह कंडीशन के अंदर जिसके अंदर नोज बिल्कुल ब्लॉक हो जाए या नोज से ऑक्सीजन ही ना जाए, तो उन्होंने डस्ट को बाद में देखना होता है, पहले से पहले उनको ऑक्सीजन पहुंचाना है। अच्छा सर, अगर कुछ केसेस होते हैं ना कि जिस तरह सांस इस तरह से आ रहा होता है कि वो जो एयर होती है वो पूरी ट्रेकिया को और नेजल कैविटी को ड्राई कर रही होती है, बहुत खुश्क हो जाती है, जिस तरह ये सर्दियों में अक्सर ही होता है, तो उससे इस केस में क्या किया जाए? अगर क्या हो जाता है, जो इनहेलेशन है ना उसकी वजह से पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो ड्राई हो जाता है, लाइक म्यूकस की बहुत कम प्रोडक्शन होती है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से फिर इरिटेशन होती है सांस लेने में, उससे क्या किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा जो है ये है, क्योंकि आजकल ये मसला है कि अगर बारिशें नहीं होंगी इम्यूनिटी का लेवल बहुत कम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ड्राई सर्दी, हम अपनी जो है लोकल जुबान में उसको खुश सर्दी कहते हैं। उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना होता है, अपने पानी के अंदर जो रूटीन की पानी आप लोग घरों के अंदर यूज कर लेते हैं, मतलब जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आप लोग स्ट्रीम करवाते हैं ताकि आपका जो रेस्पिरेटरी का म्यूकोजा है या सीलिया है वो मॉइस्चर हो जाए, वो आप लोगों ने रूटीन ली। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या कर लेते हैं, हम घरों के अंदर अभी मैंने जो है खुद भी ये जो है आग जो है ये चूल्हा जो है लगाया हुआ है, ये क्या कर ले, ऑक्सीजन को यूज करवा रहे हैं या कि इम्यूनिटी कम करवा रहे हैं, तो जब हम सुबह उठ जाते हैं तो हमारी पूरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ड्राई पड़ा होता है,
उस कंडीशंस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें ऐसा फील्ड लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, इसलिए जो खुश्क मेवाजात होते हैं ये चीज़ें होते हैं वो एक तो ये कि ऑयली ज़्यादा होता है, अगर आप लोग बादाम का जो है मिसाल ले लें, आप अखरूट ले लें, ऑयली भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वो यही होता है कि मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करवा देते हैं। तो आप लोग देख ले कि जो फीमेल्स हैं या जो मेल है उसका जो पूरा स्किन है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। हम क्या कर लेते हैं, विजलैन यूज कर लेते हैं, कोई क्रीम के आईली क्रीम यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं इसी कंडीशन के अंदर। तो एनिमल्स के लिए भी आप लोगों ने क्या करना होता है कि अगर आपके पास ऐसी एनिमल है कि जिसको भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो, तो लोग आजकल जो है उसको भी जो है डिफरेंट एरियाज पे, अगर एक पूरे जो है फॉर्म है या एक क्लोज एरिया है, तो एक साइड के ऊपर पानी जो है वो आग पे रख लेते हैं और उसके अंदर ये ऑयली टाइप चीज़ें जो है उसके अंदर डाले जाते हैं जिससे वो स्ट्रीम आ जाते हैं और उसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसलिए मैं घर में भी कहता हूँ अपने घर में कि आप लोग कोशिश कर ले जब भी आप लोगों ने आग जलाना हो, मतलब या जो है चूल्हा जलाना हो, उसके ऊपर पानी रखा करें, उसके अंदर ये बाम वगैरह मीन जिसको आयोडेक्स आप लोग कहा जाता है, या इसके अलावा जो बेंजाइन को है या कोई भी और चीज़ हो जिससे क्या हो जाए जिसको रिस्पायरेटरी सिस्टम को रिलीफ मिल जाए, यूज़ किया जाता है। अक्सर बात ये होता है ना कि रात के वक्त जो है वो सांस लेने में इशू होता है, और जिस तरह थोड़ा बहुत अस्थमा के केसेस में ये होता है, लेकिन उसके बगैर भी ये देखा गया है कि जब लेटने वाली पोजीशन होती है ना हॉरिजॉन्टल, तो उस वक्त सांस नहीं आता, बैठ बैठ जाए अगर इंसान तो उसमें सांस आता है, तो वो क्या कंडीशन होती है? बेसिकली कंडीशन है जिसको स्टमक का मसला हो, जिस लोगों को स्टमक का मसला होता है तो ये गैस जब ऊपर आ जाते हैं स्टमक को थोड़ा फील कर लेते हैं, वो लंग्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं या हार्ट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो सोते सोते उसकी सांस बंद हो जाती है, सही है? और जब ये डायरेक्ट उठ जाए उसके बाद पानी पी ले या कोई भी चीज इस तरह कर ले, जिसको भी जो है गैसेज में गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो, स्टमक के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो, उसको ही कंडीशन बहुत ज्यादा होता है जिसका एक शिकार मैं खुद भी। अच्छा सही। जब तक मैं पानी ना पीऊं स्टमक के अंदर वो डिजॉल्व ना हो जाए तब मुझे प्रॉब्लम होता है, और ये तब होता है कि अगर हम कोई ऐसा फीड ले ले, ऐसा खुराक ले ले जिसके अंदर जो है एसिडिक कंटेंट ज्यादा, मतलब आप कोई जो है ये छन्ने वगैरह ले ले, आप इसके अलावा ये दाल वगैरह की चीजें अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स फीड ज्यादा हो, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो, जितनी भी दालें वगैरह है ये सारी जो है, इसलिए इसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं गैसेस फीड कहते हैं, इसके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा है। और किसी का कोई क्वेश्चन?